अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ छोटे से किचन में हाजिर हूँ। आज मैं आपको आटा गूंदना सिखाऊंगी। वैसे तो बहुत आसान है, हर किसी को आता है, लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत मुश्किल होती है आटा गूंदने में। तो आज मैं आपको आटा गूंदना सिखाती हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है। आटा जितना आपके घर का हिसाब है या अपने हिसाब से लेना है। आटा, नमक और पानी। नमक, इसमें 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। कुछ लोग तेज नमक इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, तो अपने हिसाब से शामिल करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर आटे को करके इसमें पानी शामिल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मिक्स करना है। मिक्स करके गूंद लेना है। इस तरह ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो सारा इकट्ठा होकर रोड़ियाँ से बन जाएगा। तो मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़े थोड़े को इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा सा रह गया तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा हाथों से पानी शामिल करूंगी, क्योंकि अगर बर्तन से मैंने किया तो वो ज्यादा डल जाएगा और सारा आटा बेकार हो जाएगा। ये आटा गूंदना भी काफी महारत का काम है। तो बजाय तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। टेक्निक इसमें बस इस्तेमाल होती है। अक्सर लोग होते हैं वो, इसका दूसरा तरीका भी है कि नमक पहले शामिल करने की बजाय बाद में भी शामिल किया जाता है, लेकिन वो मुश्किल तरीका है। तो ये आसान तरीका है कि खुशके में ही नमक शामिल कर लें, वो सारे मेकअप मिक्स हो जाता है। और वो जो बाद में शामिल करते हैं उसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सा आधे में मिक्स हुआ, आधे में नहीं होगा, वो सही नहीं होता। तो हम साथ में बर्तन को भी, बर्तन से लगे को उतारते रहेंगे। अब हाथों को गीला करके, दोनों हाथों को मिक्स करके इसको गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसको दूसरी तरफ रखेंगे। फिर हाथों को गीला करना है और इसको दोबारा गूंदना है। फिर इसको फोल्ड किया, हाथ को गीला किया और इसको दूसरी तरफ किया, और तब तक गूंदना है जब तक नरम ना हो जाए। तकरीबन आटा गूंद चुका है, तो बिल्कुल नरम हो गया है। और फोल्ड करके बर्तन को साफ कर लूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ये आटा गूंद गया, इसको मैंने बाउल में रख दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अभी भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।